नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली की अदालत ने उपायुक्त मंडी को पेड़ों के तनों से कंक्रीट हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सुंदरनगर की क्रियास एनजीओ द्वारा की गई शिकायत को आधार मानते हुए यह आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त मंडी वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति बनाकर कार्रवाई करे। क्रियास एनजीओ के ट्रस्टी आशीष शर्मा और धर्मेश शर्मा ने मंडी जिला के सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर पेड़ों के तनों को कंक्रीट से ढक दिया गया है। कंक्रीट से ढकने से तनों को नुकसान पहुंचता है और पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण पेड़ों के टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है। गत वर्ष चंडीगढ़ में ऐसे ही एक पेड़ के गिरने से उसकी चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि एनजीटी जस्टिस सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने कार्रवाई के लिए 2 महीने का समय दिया है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष है, मैं क्रियास ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस धर्मेश शर्मा वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में ये आदेश जिलाधीश मंडी को दिए हैं कि वे उनके साथ वन विभाग एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे और सड़कों के किनारे जो पेड़ हैं और जिनके नीचे जिनके तने पे कंक्रीट या पेवर डाले गए हैं, उन पेवर्स और कंक्रीट को 2 महीने के भीतर भीतर उनको वे रिमूव करेंगे। ये हमने शिकायत जो है वो क्रियास चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एनजीटी में की थी, जिस शिकायत पर एनजीटी के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने संज्ञान लेते हुए इस आदेश को सुनाया है और 2 महीने के भीतर भीतर इस कार्यवाही को अमलीजामा पहनाने के लिए आदेश दिए हैं। देखिए, सुंदरनगर में अगर आप यहाँ पे जाएंगे जो ये जौहर पार्क से ललित चौक तक, तो जितने भी पेड़ वहाँ पे हैं उनके नीचे कंक्रीट बिछी हुई है। वैसे ही आप एसटीएम ऑफिस के ऊपर की तरफ जाएंगे, हॉस्पिटल से ऊपर की तरफ, तो वहाँ भी कंक्रीट बिछी हुई है। तो सैकड़ों के हिसाब से ऐसे पेड़ हैं और अन्य जगहों पर भी ऐसे पेड़ हैं जो जिला मंडी में है। ये आदेश जिला मंडी तक ही सीमित है फिलहाल तो, पर हमारा सरकार से ये मांग है कि इस आदेश को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करें और जहाँ भी पेड़ों के नीचे कंक्रीट बिछाई गई है, तो जो पूर्व में जो अदालत है उनके द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि 1 मीटर के अंतर्गत जो है तने के नीचे नहीं बिछाया जा सकता इन कंक्रीट को, फिर भी वे बिछाते हैं, तो इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करके उन पेड़ों की कंक्रीट को हटाया जाए ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।